दूसरी है विक्टोरिया महारानी। आज का दिन विक्टोरिया देखा, गुरुद्वारा देखा, बाबा जी के दर्शन किए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्त, आज का सीन ये है कि आज हम लोग हैं कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस टू विजिट, विक्टोरिया मेमोरियल के पास, जो कि महारानी विक्टोरिया को ये समर्पित है। और ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है 1906 से 1921 के बीच बनी थी। और इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें की जानकारी देंगे, जैसे कि यहाँ पे कैसे आना है, कब कब खुली रहती है, और अंदर की चीज़ें सारे दिखाएंगे कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है। हम आए थे यहाँ पे कैब से, और उसके बाद से एक घंटे से वेट कर रहे हैं कि बारिश रुकेगी और हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और ये हमारे साथ मुस्कान है। हाय बोलो। हेलो, वेलकम टू एलेक्स ओमी ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। वहाँ देखिए टिकट काउंटर है, पहले टिकट लेंगे उसके बाद अंदर चलेंगे। फाइनली हम लोग टिकट ले लिए, मुस्कान देखिए ले लिया है। और ये इंडियन सिटीजन के लिए 30 रुपीज़ पर हेड है, फॉरन सिटीजन के लिए 500 पर हेड लगता है। तो चलिए इसके अंदर अब चलते हैं। इतने सारे भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। ये हाँ टिकट चेकिंग हो गई। छाता हटा लो। सॉरी नहीं, हम लोग सॉरी बना दूंगा यहाँ पर हमें। चलो देखिए, गार्डन के चारों तरफ गिट्टी बिछी हुई है, क्योंकि ये मिट्टी का है, ताकि पूरा मिट्टी मिट्टी ना हो, इसी के कारण इसे गिट्टी बिछा दिया गया है। ये विक्टोरिया मेमोरियल के सामने एक विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की है प्रतिमा, और वो देखिए। दूसरी क्वीन विक्टोरिया मैं हूँ। हाँ, दूसरी है विक्टोरिया महारानी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। विक्टोरिया मेमोरियल है बिल्कुल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल व्हाइट है, जिस मार्बल से ताजमहल बना है उसी मार्बल से ये भी है, दोनों का सेम है। विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर जो है ये एंजल ऑफ विक्ट्री इसको कहते हैं, और ये बॉल एंड बेरिंग के ऊपर बेस्ड होता है। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका बेस जो है बिल्कुल बॉल की तरह है, और ये रोटेट करता है हवा की दिशा में, जिस तरह हवा रहेगा उसी दिशा में ये रोटेट करते रहेगा। 4 बजे को बंद कर देगा म्यूजियम। ऐसा नहीं है। हाँ, 5 बजे एग्जिट है तो 4 बजे के बाद घुसने नहीं देता है। बाहर का तब भी वो खुला रहता है। चलते हैं ना, आ जा। तो गाइस, अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। ये देखिए विक्टोरिया म्यूजियम है, इसके अंदर इसके अंदर चलेंगे। ये भाई है कुछ जा। पता तुझे क्यों बुलाया? क्योंकि टिकट चेक हो रही थी। टिकट तुम्हारे पास था। है ना, बहुत तेज है, टिकट ये रह के चलती है कि कहीं छोड़ के ना भाग जाए। और ये म्यूज़ियम है विक्टोरिया म्यूज़ियम अंदर में, यहाँ पे बहुत सारे देखने को चीज़ मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े हमारे हैं फ्रीडम फाइटर के फ़ोटो लगे हुए हैं बहुत सारे, कितने बड़े बड़े।
और यहाँ व्हील चेयर्स जो लोग चलने में असक्षम है उनके लिए थोड़ा अच्छा चीज़ है यहाँ थोड़ा। और यहाँ देखिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का डिस्प्ले किया जा रहा है जीवन शैली के बारे में। यहाँ से एक रास्ता, दो रास्ता और तीन रास्ता। और इधर चलते हैं थोड़ा अंदर की ओर। किन के शेरवानी है? ये इसकी शादी की शेरवानी है, ये अपनी शादी में यही पहनेगा। ये विक्टोरिया का एक अंदर ओरिजिनल मॉडल है जो कि इमर्सन द्वारा बनाया गया था। यहाँ देखिए लिखा गया है ओरिजिनल मॉडल बाय डब्ल्यू इमर्सन, यही ओरिजिनल मॉडल। देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेंटिंग जो कि सिंगल कैनवास पे बना है, और ये पेंटिंग जयपुर का है। ये पीछे देख रहे हैं आपको हवा महल दिख रहा है। ये शेलिंग शिप है 19वीं सेंचुरी का मॉडल। ये एक और दूसरा पेंटिंग मिला जो कि बहुत बड़ा है, और ये जामा मस्जिद से निकल रही है जाते हैं। और यहाँ पे एक और पियानो देखने को मिला। किसने ये बनाया है? ये बना था ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग विलियम फॉर हिज नीस हु वाज क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे पियानो सीखती थी। इस पियानो वो साइड चलते हैं। एक साइड हो गया, वो साइड हम लोग घूम लिया, उस साइड पेंटिंग वगैरह था और पियानो था और एक शिप था 19वीं सेंचुरी का। अब इस साइड जाते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नेताजी का लेटर है जो कि कांग्रेस से रिजाइन दिए थे, उनका लेटर है। दादा इसके ऊपर जा सकते हैं ना? और ये देखो पीछे का है जो बोल रहा था ना विक्टोरिया। और इस साइड से हम जाने वाले हैं इसके ऊपर में। ये देखिए जब विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा था तो कैसा कैसा पिक्चर था उसमें, बनते वक्त का फोटोग्राफ है। इसमें आधा बन चुका था सर। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे वाला साइड, यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर विक्टोरिया मेमोरियल के, ये ऊपर जाने वाला रास्ता। ये फर्स्ट फ्लोर से व्यू है, अच्छा लग रहा है ऊपर से नहीं ना ज़्यादा। इंटीरियर डिज़ाइन कुछ अच्छा है ज़्यादा। चले अंदर। ये जो सेक्शन है फुल्ली एयर कंडीशन है। तो गाइस आपको हम बता दें कि अगर आप थक गए होंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे आकर के ये पूरा फुल्ली एयर कंडीशन रूम है, यहाँ पे आकर के आप आराम कर सकते हैं। ये देखिए आज़ाद हिंद का पार्टी का है, कांग्रेस का है फ्लैग, और ये पता नहीं द ट्रिब्यूल्स का है शायद। ये गदर पार्टी, द गदर पार्टी फ्लैग कितना पुराना है, अप्रैल 2021। वैसे ये देखिए एग्जिट है, एग्जिट गेट थोड़ा अच्छा लग रहा है ज़्यादा, एंट्री भी सही था। एग्जिट गेट के पीछे का सीन देखिए कितना बेहतरीन लग रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है आज। और यहाँ वाटर कूलर है। तो वैसे हम आपको बता दें इसका टिकट का तो चार्ज बता ही दिया था। और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक खुला रहता है, और ये हावड़ा से करीब आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे आने में बस से, बाय लोकल बस। और यहाँ मतलब पूरे वीक ये खुला रहता है। ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ छोटा सा पॉन्ड, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं घूमी।
बता दिए थे कि ये विक्टोरिया मेमोरियल है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक खुला रहता है और ये पूरे वीक तक खुले रहते हैं। किसी भी दिन आप आकर के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मुस्कान है मेरे साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ जी जरूर, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। कि अभी हम लोग ये विक्टोरिया मेमोरियल से निकले हैं, तो फिर मुस्कान को बोली थी कि हमको गुरुद्वारा जाना है, तो हम लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं। कितने दूर है यहाँ से? 600 मीटर। 600 मीटर है यहाँ से, मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये देखिए नाप के सहारा लेकर के हम लोग जा रहे गुरुद्वारा, और ये बिल्कुल नज़दीक है काफ़ी। विक्टोरिया मेमोरियल से आए तो आप गुरुद्वारा अभी आ सकते हैं, 600 मीटर की दूरी पे आपको गुरुद्वारा मिल जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलिए हम इसके अंदर लिए। हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारा के पास, तो ये देखिए बाहर हम लोग खड़े हैं गुरुद्वारा के पास, इसके अंदर हम लोग चलेंगे। और जहाँ तक कोशिश होगी, हम अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक कोशिश होगी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, बाबा का माथा टेक करके आते हैं। यहाँ शूज़ हम लोग खोल दे रहे हैं दोनों, अंदर अलाउड। हाँ सॉक्स भी खोल दो ना, ये शूज वगैरह। माथा ढको। हाँ माथा ढकने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, के पास अंदर दर्शन कर। और जूता पहन लेते हैं। फाइनली हम लोग ने बाबा जी का दर्शन कर लिया और प्रसाद भी ले लिया। आज लंगर नहीं था, सैटरडे को यहाँ पे लंगर मिलती है, इसलिए किसी दिन सैटरडे को भी आएंगे और लंगर खा करके जाएंगे। और अंदर तो वीडियोग्राफी बिल्कुल ही मना था, जैसे ही निकाला किसी ने देख लिया, उसका बोला कि यहाँ पे नहीं कर सकते। आज का सफ़र यहीं पे हम लोग का ख़त्म होता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, है ना। हाँ आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आज का दिन, विक्टोरिया देखा, गुरुद्वारा देखा, बाबा जी के दर्शन किए, एंड इट्स अ रैप। ये बाय।